इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट, इनका बेसिक लॉजिक बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज अ मेकिंग एन एग्रीमेंट इन बिजनेस टू डू सर्टेन वर्क फॉर कंसिडरेशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड अपनी डेली लाइफ में काफ़ी दफ़ा सुना होगा। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट होता है, बिजनेस के दरमियान हो सकता है, लोगों के दरमियान में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज के दरमियान में हो सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट पब्लिक कंपनी के दरमियान में हो सकता है, और ठेकेदार जो होते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन का जो वर्क करते हैं, जो पुल बनाते हैं जो गवर्नमेंट के लिए, एज अ जो बिग बड़ी कंपनियां होती हैं आर्मी की, NLC, ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो इसके ठेके लेती हैं कंस्ट्रक्शन के, इनके दरमियान भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, फिर ये काम स्टार्ट करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के जो HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्पेशली और प्राइवेट में भी मोस्टली होता है, इनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतनी देर आपने इधर काम करना है, इतनी आपकी सैलरी होगी और आप कब छोड़ सकते हैं, इनके दरमियान भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर अ पर्सन हु एग्रीज टू डू सर्टेन वर्क फॉर समवन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। वो पर्सन जो किसी के काम करने के लिए एग्रीज हो जाए टू वर्क समवन, किसी के दूसरे के लिए काम करने के लिए एग्री हो जाए, वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्टर। अ पर्सन हु एग्री, जो एग्री हो जाए, जो कहे मैं चलो ठीक है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और मैं ये काम करूँगा या करवाऊँगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टी अ पर्सन फॉर हुम सम वर्क इज बींग डन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टी। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके साथ बात करता है और जिसको कहता है कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, डन कर देता है, एग्रीमेंट कर देता है, जिस पर्सन के लिए वो काम कर रहा होता है ना, जो उसे कहता है कॉन्ट्रैक्टर को ये काम करो, जिसके लिए वो काम कर रहा है और जो कहता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जिसके लिए काम किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके लिए काम करता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। आई होप दोस्तों आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।